हाई गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल एंड इफ़ यू न्यू प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग बिफोर यू एग्जित दिस वीडियो दट बींग सेड लिस्ट इज डाइव राइट इन टू इट आज मैं दो हज़ार सोलह में आई हुई हॉरर थ्रिलर फिल्म द बिल्कुल एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इसकी आई एम डी बी रेटिंग फ्रेश है इस मूवी का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एक ग्रुप ऑफ एम्प्लाइज को एक हाई स्टेक एंड हाई रिस्क वाले सर्वाइवल सिचुएशन में डाल दोगे और उनको जबरदस्ती दूसरों को जान से मारना पड़ेगा खुद को सर्वाइव कराने के लिए तो क्या होगा मूवी ऐसी करती है कि कैसे अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग रिस्पॉन्ड करते हैं जब उनकी जान को खतरा होता है एंड ऑलमोस्ट ये पूरी मूवी काफी ज्यादा ब्रूटल है तो एक रिमाइंडर दैट व्यूअर्स डिस्क्रेशन इज एडवाइज्ड ये पूरी चीज एक्सपेरिमेंट है और वो हमको टाइटल से ही मालूम चल जाता है तो अब बस ये जानना है कि कौन है इसके पीछे और क्यों सबसे पहले बेल्को को समझ लिया जाए तो बेलको बेसिकली एक इंडस्ट्री है जो एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो कैरेक्स वेनेजुएला में है और उनके इन टोटल फोर्टी कंपनीज है वर्ल्ड वाइड ये कंपनी बेसिकली यूएस गवर्नमेंट के अंडर है और उनमें काम करने वाले लोग ज्यादातर उस एरिया के लोकल नहीं हैं। वहाँ वो लोग कुछ एक साल से काम कर रहे हैं और बेल को आपकी किसी और नॉर्मल कंपनी के तरह ही दिखाई जाती है मगर आज का दिन उन सबके लिए काफी अलग होने वाला है चीज थोड़ी सी अलग ये तब दिखती है जब वो सारे एम्प्लॉयज वापस से ऑफिस आते हैं अगले दिन एंड वहाँ ऑलरेडी हेवी आर्म्ड सोल्जर्स दिखाई देते हैं उनके नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड की जगह मगर उन लोगों को लगता है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ उस एरिया में आसपास चल रहा हो तो वो ज्यादा इस चीज़ से बॉर्डर्ड नहीं होते सारा दिन उनका नॉर्मल ही शुरू होता है और हमको वहाँ के स्टाफ्स और उनके डे टू डे चीजों का मालूम चलता है ऑलमोस्ट सब एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हैं, और सबका अपने कोवर्कर्स के साथ किसी न किसी तरह का रिलेशनशिप है बहुत ज्यादा कास्ट है इस मूवी में तो मैं सबके बारे में नहीं यहाँ पे डिस्कस करूंगी बट कुछ इंपॉर्टेंट लोगों का बात कर लेते हैं जैसे कि माइक और उसकी गर्लफ्रेंड लियांड्रा एंड उसका सीईओ ओ बेरी नॉरिस मूवी में ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट असल में तब शुरू होता है जो बैरी और माइक के कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज होते हैं अबाउट हाउ टू डील विद सिचुएशन डेनिका बेलको में पहला दिन होता है और उसके थ्रू हमको मालूम चलता है कि वहाँ के सारे एम्प्लॉयज में ट्रैकर लगा हुआ है क्योंकि उस एरिया में किडनैप होने के थोड़े थ्रेट्स हैं आगे मालूम चलता है कि वो एक्चुअली में कोई ट्रैकर नहीं है बल्कि बॉम्ब्स हैं जो एक्सपेरिमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनका नॉर्मल दिन नाइटमेयर में तब बदलना शुरू होता है जब मेटालिक कवर्स लगते हैं सारे विंडोज़ एंड डोर पे और उनको एक तरह से अंदर ट्रैप कर दिया जाता है उसके बाद इंटरकॉम पे आवाज़ आती है कि उनको किसी भी दो इम्प्लॉयी को जान से मार देना है फेलिंग टू विच और भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ मारे जाएंगे स्टाफ उसको प्रैंक की तरह लेता है और उस आवाज़ के दिए हुए इंस्ट्रक्शन को इग्नोर कर देता है जब उनका टाइम अप होता है और कुछ रैंडम एम्प्लॉयज़ मारे जाते हैं तो वो लोग इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लेने लगते हैं उन एम्प्लॉयज़ का उन बॉम्ब्स के थ्रू मारा जाना जिनको असल में ब्रेन में इम्प्लान्ड किया गया होता है इन शॉर्ट ये होता है कि उनके ब्रेन में उन चिप्स को या फिर ट्रैकर्स को जो भी है बॉम्स को बेसिकली उनके ब्रेन में लगाया हुआ होता है जो एक्सप्लोर कर जाता है एंड वो लोग लो लो मर जाते हैं पहले ऐसा लगता है कि शायद स्नाइपर्स ने उनको मारा है मगर जल्द ही माइक को रियलाइज़ होता है कि वो उनके सर में बॉम्ब लगा हुआ है वो बॉक्स कटर की मदद से अपने बॉम्ब को निकालने की कोशिश करता है मगर वो आवाज़ उसको ऐसा करने को मना करती है क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसके खुद के बॉम्ब को ट्रिगर कर देंगे ऑल्सो मतलब ये हुआ कि बिल्डिंग में आप कहीं भी जाकर छुप जाओ वो आप पे कॉन्स्टेंटली नजर रखे हुए हैं अब जब सब लोग ऑलरेडी जो हुआ था उससे शॉक में थे तो अब एक्सपेरिमेंट का सेकेंड फेज का बारी है इस बार स्टेक्स और ज्यादा है और वो वॉइस बोलता है कि इस बार उनको टोटल मिला के थर्टी एम्प्लॉयज को मारना होगा दो घंटे के अंदर और अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो साठ लोग मारे जाएंगे रैंडमली और अब एक्चुअल में लोगों का मालूम चलता है कि वो लोग कैसे बिहेव करेंगे अगर सर्वाइवल का मोड ऑन हो जाए उनका तो न इसकी मैंटेलिटी ऐसी होती है कि आप किसी को जान से मारोगे अगर खुद को सर्वाइव करना हुआ तो उसकी बीवी बच्चे हैं और उसको किसी भी तरह से इस सिचुएशन में सरवाइव करना है जिससे कि वो उनको प्रोवाइड कर सके और वो कंसिडर करने लगता है कि कौन तीस लोग मारे जाएंगे जिससे कि वो खुद घर जा सके बल्कि माइक का अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है और वो चाहता है कि वहाँ के सारे लोग सर्वाइव करें तो वो तीस लोग को चूज करने का आइडिया कंसिडर तक नहीं करता उसका असल में ऐसा ही प्रोस्पेक्टिव रहता है पूरे मूवी के दौरान जबकि लियांड्रा जिसको सबसे अच्छा माना जाता है वो तक बोल देती है कि उनको सारे ऑप्शंस को कंसिडर करना चाहिए और ये डिस्प्यूट एक्चुअली में नॉरिस वेंडल और कुछ और लोग माइक के अगेंस्ट और बाकियों के अगेंस्ट होते हुए दिखाई देते हैं माइक का पहला प्लान ये होता है कि वो लोग बैनर्स लगाएंगे ऊपर रूफ टॉप पे जाके बिल्डिंग के जिससे बाहर के लोगों को मालूम चल सके कि अंदर चल के आ रहा है बट इसके पहले कि वो लोग ठीक से बैनर तक लगा सकें नीचे के सोल्जर्स उन पर मशीन गन चलाने लगते हैं और उनको अपना आइडिया छोड़ना पड़ जाता है नोरिस और उसके साथ के लोग अब अपना रास्ता किसी तरह से आर्मरी तक बनाते हैं जहां उनको जरूरत से काफी ज्यादा गन्स पड़े हुए मिलते हैं जिसके बाद नॉरिस पूरे ग्रुप को लॉबी में इकट्ठा करता है और उनको डिवाइड करने लगता है वो असल में लोगों को चूज करता है जो लोग एल्डरली हैं और जिनके कोई बच्चे नहीं हैं क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग रैंडमली किसी पर भी गोली नहीं चला सकता और अभी भी उसके अकॉर्डिंग वो जो कर रहा है वही बेस्ट ऑप्शन है मगर ऐसा करने के बाद भी तीस लोग नहीं हो पाते हैं तो वो बचे हुए लोगों में से चूज करने लगता है उसमें से एक माइक भी होता है जिसको हाथ ऊपर करके खड़ा होने को बोला जाता है उसके बाद नोरिस उस ग्रुप को एक एक करके मारने लगता है और जैसे ही माइक की बारी आती है तो डैनी उस बिल्डिंग का मेन लाइट ही बंद कर देती है और सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं नोरिस और उसका दोस्त सारी बिल्डिंग में घूम घूम गूं के लोगों को ढूंढते हैं जिनको वो मार सके मगर जब तक टाइम खत्म होता है तो उन्होंने ट्वेंटी नाइन लोगों को ही मारा होता है तीस की जगह अब रैंडमली लोगों के ब्रेन वाले बॉम्ब एक्सप्लोर्ड करने लगते हैं और काफी कम लोग बच जाते हैं टूवर्ड्स दी एंड अब वॉइस बोलता है कि फाइनल स्टेज एक्सपेरिमेंट का जो फेज थ्री है वो शुरू होता है सिंपल आसान सा है और इस बार जो इंसान सबसे ज्यादा लोगों को मारेगा वो बाहर जा पाएगा ये फाइनल फेज सबके अंदर से जो बचा हुआ थोड़ा बहुत भी ह्यूमैनिटी होता है वो भी खत्म कर देता है एक्सेप्ट फॉर माइक क्यूँकी उनके पास आज सच कोई और ऑप्शन बचा हुआ नहीं होता लोगों को मारना ही तरीका है सरवाइव करने का और इस बार माइक मार्टी से मिलता है मार्टी एक्चुअली मरे हुए लोगों के बॉडीज में से उनके बचे हुए बॉम्बस को कलेक्ट कर रहा होता है उनके हेड से निकाल के इस सीन के एंड होते होते मार्टी तो मारा जाता है और माइक उसके बॉम्ब को सारे नैपकिन के साथ उठा के ले जाता है अपने साथ नॉरिस ने अभी भी सबसे ज़्यादा किल किए होते हैं और वो अलग लेवल पे ही किलिंग स्पी पे होता है उसको रास्ते में जो भी दिखाई देता है वो उसको मारते रहता है इंक्लूडिंग डैनी विच इज़ वेरी सैड अब एंड में बस लियांड्रा माइक और नॉरिस ही बचे हुए होते हैं मगर लियांड्रा गन शॉट की वजह से ब्लीड आउट हो रही होती है

और अब विंडोज और दरवाजों में से जो मेटल वाले कवर्स होते हैं वो हटते हैं और गार्ड अंदर आते हैं उसको हैंगर तक ले जाने के लिए वहाँ माइक को उसके पीछे कौन है मालूम चलता है कि वो असल में एक सोशल साइंटिस्ट है जिसके अकॉर्डिंग रिसर्चर्स को देखना है उन लोगों का एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रिएक्शन जिससे कि वो लोग ह्यूमन नेचर के बारे में जान सकें और वो नई डिस्कवरीज कर सकें उसके बाद उससे कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये भी कि वो कैसा फील कर रहा है माइक उसका जवाब देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है क्योंकि एट दिस पॉइंट आते आते उसको एकदम अंदर से फ्यूरियस वाला फीलिंग आ रहा होता है कि उसको इस सबसे गुजरना पड़ा उसके पास में उसको स्विच बोर्ड दिखता है जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ का नाम लिखा हुआ होता है जो एक्चुअली में इस्तेमाल करा जाता है बॉम्ब्स को ट्रिगर करने के लिए मालूम चलता है कि उसने जो बॉम्ब्स मार्टी से लिए थे वो उसने कुछ सोल्जर्स पे प्लांट करे थे जब वो लोग उसको वहाँ लेकर आ रहे थे और कुछ उस आदमी पे वो सारे स्विचेस को एक साथ दबा देता है जिसकी वजह से वो सारे सोल्जर्स तो मारे जाते हैं और वो आदमी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है माइक उसको गन पॉइंट पे करता है और वो आदमी माइक को बोलता है कि वो उसको गोली ना मारे क्योंकि उसके अंदर भी अभी भी ह्यूमन लाइफ को लेके वैल्यू बाकी है इसके रिस्पांस में माइक बार बार उस आदमी पे गोली चला के उसको मार डालता है मतलब उस एक्सपेरिमेंट का जो मतलब है वो ये है कि वो इंसान जो ह्यूमैनिटी को वैल्यू करता है रादर देन बींग सेल्फिश वो इस एक्सपेरिमेंट का सर्वाइवर होता है मगर इसके बाद माइक के अंदर से पूरा ह्यूमैनिटी एक तरह से खत्म हो गया था जिसके बाद वो बिल्कुल भी लोगों को मारने के बाद रिमोर्ट तक नहीं करता था वो हैंगर के बाहर आता है कन्फ्यूज होते हुए कि अब वो क्या करेगा आगे उसके बाद हमको सिक्योरिटी कैमरा से माइक को देखते हुए दिखाया जाता है जिसके बाद और मॉनिटर्स अपीयर होते हैं स्क्रीन पे और और भी ज्यादा सर्वाइवर्स अलग अलग बेल्को वाले ऑफिस में से जो होते हैं उनको दिखाया जाता है और एक वॉइस डिक्लेयर करता है कि इट्स टाइम फॉर सेकेंड फेज मतलब कि पूरा बेल्को इंडस्ट्री असल में उन एक्सपेरिमेंट्स को छुपाने का तरीका है जहां अलग अलग पर्सनालिटीज एंड बैकग्राउंड के लोगों को साइंटिस्ट चूज़ करते हैं जिससे कि उन पर वो एक्सपेरिमेंट कर सकें वो लोग एक तरह से एक साल तक का कर इंतजार करते हैं जिससे वो सारे एम्प्लॉयज़ किसी तरह से एक दूसरे के साथ किसी तरह का अटैचमेंट क्रिएट कर सके जिसके बाद वो एक्सपेरिमेंट शुरू करा जाता है यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये है जब माइक को मालूम चलेगा कि उसको एक्चुअली में सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया है तो वो कैसा रिएक्ट करेगा एनी वेज दैट सॉल्व फॉर दिस एक्सप्लेनेशन और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो डू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय